रोका जाए और कम से कम जीडीपी का 10% शिक्षा पर खर्च किया जाए, जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है उसको मजबूत किया जाए और शिक्षक का जो परमानेंट अपॉइंटमेंट जरूरी है, परमानेंट अपॉइंटमेंट ये सरकार बंद किए हुए है। नोटिस राज के चलते पूरे हायर एजुकेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन है उसको भी प्राइवेटाइज और कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो नौजवान, देश का नौजवान है जो भारत के अंदर ताकत बन सकता है, उसको हायर एजुकेशन के अंदर किसी पब्लिक सेक्टर एजुकेशन के अंदर मौका ही नहीं मिलेगा जाने का। इन कमर्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये जो आपका ऑटोनॉमी के नाम के ऊपर सीधा कमर्शलाइजेशन है, वो ऑटोनॉमी नहीं है। वो ऑटोनॉमी है कि जिसके पास पैसा होगा वो जाएगा। वो ऑटोनॉमी ये नहीं है कि किस तरह से वहाँ की शिक्षा तय होगी। ऑटोनॉमी है कि जो पैसा होगा वो शिक्षा पाएगा। ऑटोनॉमी का सवाल है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की आप बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसका नतीजा ये पड़ेगा समाज के अंदर कि पहले से ही खासकर लड़कियां जिनकी संख्या हायर एजुकेशन में बहुत कम है वो और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर दोहरा दहेज भारत के माँ बाप नहीं उसको अफोर्ड कर सकेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है यूनिवर्सिटी, पर हमें ये सोचने की एक बात है कि अभी भी जो है एक बड़ा हिस्सा जो है छात्रों का, छात्राओं का, वो रेगुलर कॉलेज से बाहर है। हर साल ड्यू का फॉर्म निकलता है पर उसमें 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं पर सीटी जो 54,000 है तो सबको एडमिशन नहीं मिल पाता। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी में सभी छात्रों को जो है उनको एडमिशन मिलना चाहिए, पर ये सोचने की बात है कि जो आ ही नहीं रहे उनका क्या होगा। तो ये एक सीरियस सवाल है अभी बनता है जो यूनिवर्सिटी में पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो मजदूर परिवारों से, जो बस्तियों में रहते हैं, जो घरों में काम भी करते हैं, या फिर जो छात्राएं हैं जो घरों में काम करती हैं, लड़के हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ वो जॉब करते हैं, पढ़ने के साथ साथ वो अपने पिताजी के शाम को रेडी लगाते हैं पिताजी के साथ, तो उनका क्या होगा? उनको तो नहीं मिल पा रही हायर एजुकेशन। Present government is according to universities. It is nothing but breaking the present structure and handing over university or privatizing the universities. And universities will have to raise funds, internal raising of revenue. Universities will have to raise the fee of students. Universities will have to contract the teachers. University will have to collaborate with the private sector. Finally, what will happen to the character of Indian universities?
whether it is Jawaharlal Nehru University or Hyderabad Central University or Jadavpur University or Puducherry Pondicherry University or all central universities or state universities. What is going to happen? Is it not concern for all of us? Is it not concern for all the political parties? What is the future of India? What is the future of our children? As being a teacher, हम लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं जब प्राइवेट एजुकेशन जब मिलती है वो कितनी महंगी होती है। पूरा एक डिप्राइव्ड सेक्शन यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाएगा। न सिर्फ ऑटोनोमस करके रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहेंगे, शिक्षा को महंगी करेंगे, बल्कि सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान होगा वो है नॉलेज सिस्टम को।